कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं सब लोग? पढ़ाई वगैरह सब अच्छी चल रही होगी? चलिए मैं आपका अपना टीचर पूछे गौर, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय भूगोल से टॉपिक लेकर आया हूं। और वो जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम में परीक्षाओं में जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम है सब में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और 10-20 साल का आप चाहो तो पेपर का एनालिसिस करके देख ले, और उस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो टॉपिक है आज का हमारा बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह क्या है ये समझ लीजिएगा। बंदरगाह जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहां से किया जाता है, आयात और निर्यात, हिंदी में कहते हैं आयात और निर्यात जो किया जाता है भारत के द्वारा या विभिन्न देशों के वस्तुओं को जो हम मंगाते हैं उसी को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह जो होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं, और उससे समुद्री व्यापार भी आप कह सकते हैं, ठीक है, समुद्र के थ्रू व्यापार। तो आइए देखते हैं, भारत में दो तरीके के बंदरगाह हैं, कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह, और इसके अलावा पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। तो ये पूछा जाता है कौन सा पश्चिमी तट का है, कौन सा पूर्वी तट का है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, कहां पर है, और फिर कौन सा कृत्रिम है और कौन सा प्राकृतिक है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार, तमाम नजर मार लेते हैं मैप के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका पश्चिमी तट, ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। देखिए ये गुजरात है, गुजरात है, गुजरात में दो बंदरगाह है आपके, एक तो कांडला बंदरगाह है और एक द हेज बंदरगाह। कांडला और द हेज जो बंदरगाह है वो गुजरात में है और आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद मुंबई बंदरगाह है, मुंबई जो बंदरगाह है वो आपका महाराष्ट्र में है, ये रहा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद मार्म गोवा, ये रहा, ये गोवा में है बंदरगाह आपका। फिर इसके बाद मंगलुरु, मंगलुरु जो बंदरगाह है वो ये रहा, ये कर्नाटक में है मंगलुरु बंदरगाह। इसके बाद कोची, कोची जो बंदरगाह है वो आपका केरल में है, ये रहा, ये सब आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद चेन्नई, तूतीकोरिन और एनोर, ये तीनों बंदरगाह आपके पूर्वी तट के हैं और तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भी आपका पूर्वी तट का है और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हमारा पारादीप बंदरगाह, ये आपका उड़ीसा में है और पश्चिमी पूर्वी तट का बंदरगाह है। इसके बाद कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह पूर्वी तट का है और पश्चिमी बंगाल राज्य में। तो आइए यही सब चीजें हमें देखनी है, जल्दी जल्दी एक मैप पे नजर मार लेंगे, उसके बाद देख लेते हैं क्या। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, कांडला दाहेज गुजरात में है, मुंबई और नहावा शेवा जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है, मार्म गोवा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोची केरल में है, ये आपके सब पश्चिमी तट के बंदरगाह है। ये देखो मैंने लिखवा भी रखा हो पश्चिमी तट के बंदरगाह, ठीक है। तो यहां दे देगा कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है कौन सा नहीं है, पूर्वी तट का मिक्स कर देगा, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा बंदरगाह कहां पर स्थित है। अब ये जो ये है हमारा बंदरगाह, क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई में, मुंबई बंदरगाह है, या भारत का सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो किस बंदरगाह से होता है, मुंबई से। यह अगर ये पूछे आपसे जो मुंबई बंदरगाह है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई जो बंदरगाह है वो साल्ट सेट द्वीप पर स्थित है, साल्ट सेट द्वीप पर स्थित है, क्लियर है। इसके बाद बड़े बंदरगाहों का जो नियंत्रण करता है वो केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब जो बड़े बंदरगाह है वो संघ सूची में है, और जो उनका जो नियंत्रण करती है वो केंद्र सरकार करती है, क्योंकि उसे कानून बनाने का अधिकार है, वही लागू कर सकती है। और जो छोटे बंदरगाह है उनका जो है समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची में राज्य भी उनका देखरेख करता है और केंद्र सरकार भी उनकी देखरेख करती है, ठीक है। इसके बाद गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह, ये वाला कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है,
और यह मुक्त व्यापार होता है, यहां से मुक्त व्यापार होता है। क्वेश्चन आता है कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय क्या है, समुद्र में जब ज्वार भाटा उठता है तो इसका जो निर्माण हुआ था कांडला बंदरगाह का, ज्वार भाटा के द्वारा हुआ था, कटिंग हो गई थी वहां से, ठीक है। इसके बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह आपका पूर्वी तट का बंदरगाह है, अभी बताऊंगा मैं आपको, आंध्र प्रदेश में है और यह इसकी विशेषता है सबसे गहरा बंदरगाह है और डॉल्फिन नॉज पहाड़ी के पीछे स्थित है। क्वेश्चन आता है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम, या कौन सा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे स्थित है, डॉल्फिन नॉज पहाड़ी के पीछे स्थित है। नेक्स्ट है गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह देश का प्रथम, गुजरात में स्थित दाहेज बंदरगाह भारत का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखना दाहेज जो बंदरगाह है वो गुजरात में क्यों बनाया गया था, उसे रसायन जो यूरिया वगैरह खेती में डालते हैं उनके लिए बनाया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, किसे, दाहेज गुजरात के बंदरगाह को। इसके बाद कुछ बंदरगाह हैं और उनके नए नाम है, बंदरगाह और नए नाम, जैसे तुतीकोरिन बंदरगाह का जो नया नाम है वीओ चिदंबर नार, किस बंदरगाह का नया नाम चिदंबर नार है, तुतीकोरिन, ठीक है। इसके बाद एन्नोर, इसका नया नाम है कामकाज। इसके बाद तीसरा बंदरगाह कांडला जो गुजरात में है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, क्वेश्चन आता है चेन्नई जो बंदरगाह है कैसा बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा तैयार किया गया बंदरगाह, और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसकी स्थापना 1875 में हुई। तो चेन्नई कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है, स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। और किस तट का बंदरगाह है चेन्नई, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, देखो पूर्वी तट के बंदरगाह ये है आपका चेन्नई, तुतीकोरिन, एन्नोर, ये तीनों तमिलनाडु में है और आपके पूर्वी तट के बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये आपके सब पूर्वी तट के बंदरगाह, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत अच्छी तरीके से समझे, बहुत अच्छी तरीके से सुने और एक बार आप इसे हैंड नोट्स बना लीजिएगा, इसका नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अभी हाल ही में जल्दी अप्रैल में उत्तराखंड बीसीएस का भी एग्जाम है तो वहां से जरूर आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और एक मैप पे आप इसे लिख ले, पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह, इंडिया का मैप बना ले और उस पर सजा ले आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और पूरी विनायस कैंपस टीम आपके साथ है, आपको सफलता दिलाने का 101% प्रयास कर रहे हैं हम लोग और रात दिन मिलके रिसर्च कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है, क्या हो सकता है और क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, पहले इस चैप्टर से क्या आया था, ये पूरा हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में अधिक सफलता प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई क्या जाता है फ्री, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अगर आप पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का कंटिन्यू प्रयास करिएगा ताकि उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी और कम समय में और बेहतर टीम के साथ सफलता प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। थैंक यू।